Start exercise 9.2. Question number 1. Here we have to make a bar chart showing the number of holidays coming in the month of January to December. फिर हमें इसका पहले बार चार्ट बनाना है, तो डेटा क्रिएट करते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. फिर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देना है, ठीक है? क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. तो सपोज मंथ क्रिएट कर लेते हैं, नंबर ऑफ नेम ऑफ मंथ्स. नंबर ऑफ हॉलीडेज जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. तो सारे महीनों के हमें लिखने हैं. सपोज जुलाई महीने में कितनी छुट्टियां? एक छुट्टी है स्कूल की. अगस्त महीने में 5 छुट्टियां, 5 लिख देंगे. सितंबर महीने में एक छुट्टियां, ठीक है, या अप्रोक्स में 1-2 आप कुछ भी मान सकते हो. अक्टूबर महीने में 3 छुट्टियां हैं, नवंबर में 9 और दिसंबर में 7. अब हमें इनको दिखाना है, ठीक है, बारग्राफ के फॉर्म में. तो दिखाते हैं इस डेटा को कैसे दिखाना है, देख लो. पहले हमें इधर एक एक्सिस लिखेंगे, ये है वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन है. और यहाँ पे हम स्केल दिखाएंगे, जो कि आएगा पहला होगा 10, फिर आएगा 8, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, उसके बाद जो आएगा 0. ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है. इसमें तो हमने 2 का टेबल लिख दिया ऊपर में, आप स्केल देख रहे हो. 2 हर एक यूनिट 2 के बराबर है, ठीक है, 2, 4, 6, 8. तो हमें 1 से लेकर 10 तक पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. अब हम दिखाते हैं जुलाई महीने में जो हम बनाएंगे बार ग्राफ. तो जुलाई महीने पहले नीचे लिख देंगे एक्स एक्सिस में जुलाई, ठीक है. जुलाई महीने का जो आपका बार ग्राफ बनेगा वो 1 तक जाएगा. 1 यहाँ पे मान लेंगे हम 0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसको 0 बोलते हैं. तो ये पॉइंट, तो ओरिजिन, तो 0 और 2 के बीच में आएगा ये 1. तो ये 1 होगा यहाँ पे, तो बिल्डिंग बनेगी इतनी ऊँची, छोटी सी, इतनी छोटी सी बनेगी. इसको आप लाइंस खींच सकते हैं, ऐसे कर दिया, मतलब इसे लेवल कर दिया, सेट कर दिया हमने थोड़ा सा, ठीक है. जुलाई अगस्त आएगा, अब इसके बाद अगस्त, अगस्त महीने में 5 तक जाएगा, यानी कि 4 और 6 के बीच में आएगा, यहाँ तक आएगा. तो आपका स्केल यहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा. ये अगस्त का यूनिट 5 तक आएगा, इसको 5 लिख देंगे. इसमें 1 लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे, बार के ऊपर लिख देंगे, ताकि कहाँ इसकी वैल्यू कहाँ तक है. उसके बाद 4 और 6 के बीच में आएगा अगस्त और सितंबर. सितंबर का स्केल आएगा 1 तक, 1 ही 1, तो ये छोटा सा बनेगा, इसको सेट कर देंगे, ठीक है. उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर वो उसी
अक्टूबर का 3 आएगा, 3, तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं अप्रोक्स, ये करीब करीब मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको सेट कर देंगे आप, उसके बाद नवंबर और फिर दिसंबर, उसके बाद नवंबर का आएगा 9 तक जाएगा बिल्डिंग, तो हम 9 तक, 10 और 8 के बीच में आएगा 9, तो ये करीब यहाँ पे आएगा। इसके नीचे जाएंगे आप, नवंबर का स्केल इतना होगा, ठीक है। ये हुआ, इसको थोड़ा हल्का सा मिटा देते हैं और इसको सेट कर सकते हैं आप, सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर का आएगा 7 तक, जो कि 6 और 8 के बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसको 7 तक, ये दिसंबर का यहाँ तक हो गया, ये लास्ट है, इसको लाइन खींच देंगे, तो दिसंबर का 7 है, ऊपर में 7 लिख देंगे, ये 9 है तो 9 लिख देंगे, यहाँ पे है आपका 3, अक्टूबर का 3, 3 लिख देंगे, इसका 1 है, 1 लिख देंगे। तो सबके हमने स्केल बना लिए, ये है बार ग्राफ, हमने बना लिए, बार ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बार ग्राफ, ठीक है। इस बार ग्राफ को आप देख रहे हैं, अगस्त जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बना लिया। सबसे ऊंचा बिल्डिंग जो है बार ग्राफ का, जो बिल्डिंग सबसे हाइट ऊंची है, नवंबर का, नवंबर महीने में ज़्यादा छुट्टी मिलती है दिवाली में, ठीक है। तो यहाँ दिखाया गया, फिर दिसंबर का क्रिसमस न्यू ईयर का हॉलीडे, तो ठीक है। इसके चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन का कुछ सवाल का जवाब देते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच मंथ मोस्ट हॉलीडेज फॉल, सबसे ज़्यादा हॉलीडे किस महीने में आता है, तो हमने पता चल गया है नवंबर महीने में आता है, 9 हॉलीडेज हैं नवंबर महीने में आता है, देखो नवंबर महीने 9 हॉलीडे, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है टेल में, नवंबर महीने में 9 नंबर नवल हॉलीडेज कहते हैं 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। फर्स्ट आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नवंबर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इन व्हिच मंथ लीस्ट, मतलब सबसे कम, लीस्ट मतलब सबसे कम, मिनिमम हॉलीडेज फॉल, सबसे कम हॉलीडे किस महीने में आता है, तो यहाँ पे दो दो महीने हैं हमारे पास हैं, जुलाई और सितंबर, दोनों का नाम लिख देंगे आप, जुलाई एंड सितंबर, दोनों में 1 1 इक्वल है दोनों, तो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है सेकेंड में दोनों का नाम लिख देंगे, कोई बात, जुलाई एंड सेप्टेम्बर, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ हॉलीडेज है जुलाई एंड सेप्टेम्बर, बोथ मिनिमम, सबसे कम हॉलीडेज में। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट और दिसंबर, व्हिच मंथ हैव मोर हॉलीडेज, तो हम लिख देंगे किस में महीने में ज़्यादा हॉलीडेज है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें देखना अगस्त में 5 हॉलीडे है और दिसंबर में 7, तो 5 और 7, और दिसंबर में ज़्यादा हॉलीडेज हैं, तो हम लिख देंगे दिसंबर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। ए ग्रुप ऑफ वुमेन मेक पापर ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस, पापर बनाता है, हैज पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ गिवन बोलो सोइंग द नंबर ऑफ पापर मेड पर डे, तो यहाँ पे आप पिक्टोग्राफ देख रहे हो, मंडे मंडे डे है, नंबर ऑफ पापर कितने बनाएंगे, एक पिक्चर जो है ना यहाँ पे देख रहे हो, एक पिक्चर 10 के बराबर है, एक पिक्चर 10 पापर के बराबर है, यानी कि यहाँ पे एक कितने पिक्चर है, 2 3 4 5 पिक्चर है, और दो डंडे खींचे हुए, दो बार है, तो 1 2 3 4 5 पांच पिक्चर, यानी 5 10 जब 50, 50 प्लस 2 2 बार्स हैं, तो 52 पापड़ बनाए गए यहाँ पे, तो हमें इसको जहाँ पे क्वेश्चन दिया गया उसी को करना है, तो ये मैं समझा रहा था आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है और इसमें करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम पापड़ मेड ऑसो द डे ऑन विच द मैक्सिमम पापड़ मेड, तो हमें मैक्सिमम पापड़ पता करने के लिए हमें इनका मीनिंग कितने पापड़ बनाए गए हर दिन पता करना पड़ेगा, ठीक है, उसको लिख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
नंबर ऑफ पापर मेड ऑन मंडे इक्वल टू मेड ऑन, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, तो हमें अलग अलग नाम लिख के, तो ये हेडिंग कर दिया हमने, और अलग अलग नाम अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मंडे को कितना पापड़ बनाया गया, तो मंडे को आपने कितना पिक्चर देखा था, 5, मैंने आपको गिन के दिखाया, 5 सर्कल्स हैं, तो 5 सर्कल, एक सर्कल 10 के बराबर, 5 सर्कल्स मल्टीप्लाई बाय 10 पापड़, एक सर्कल 10, 5 सर्कल्स मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा मैं यह लिख देता हूँ, 5 सर्कल, 5 क्या बोलेंगे, 5 सर्कल्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 बार्स, दो बार थे, तो 5 10 जा 50 हो जाएंगे आपको, 50 प्लस 2, तो ये 52 पापड़ बनाया गया। 5 सर्कल है, तो सर्कल आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, दोबारा मत लिखना, मैं समझाने के लिए, 5 सर्कल थे, तो हर सर्कल की वैल्यू 10 होती है, तो 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 और प्लस 2 52 पापड़ बनाएंगे, 52 पापड़। ठीक है, नेक्स्ट वन ट्यूजडे निकालते हैं, सर्कल दोबारा मत लिखना, वन टाइम वाली समझाया मैंने, पापड़ के बाद ट्यूजडे निकालते हैं कितना पापड़ बनाएगा। ट्यूजडे को कितने सर्कल हैं गिन लो आप, ट्यूजडे को देख लो, दिखा देता हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छ, 6 सर्कल बनाए गए, 6 सर्कल हैं, तो बस पता चल गया, 60 पापड़ बनाए गए ट्यूजडे को। ठीक है, तो 6 सर्कल्स मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज इक्वल टू 60 पापड़ ट्यूजडे को बनाए गए। वेनेसडे को पता करते हैं, वेनेसडे को ये मिटा देता हूँ, वेनेसडे को 1 2 3 4 और कितने बार्स हैं, 4 बार और हैं, तो 4 को 10 से मिटाया, प्लस 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं वेनेसडे को हमारे कितने पावर बनाए गए, वेनेसडे को 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 बार्स हैं, तो 4 और पापड़ बनाएंगे, 4 10 जा 40 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 44 पापड़ बनाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्सडे को पता करते हैं, थर्सडे को 1 2 3 4 5 6 7 सर्कल हैं, 7 सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 7 टेन या 70, तो हम थर्सडे को 7 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 70 पापड़ बनाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फ्राइडे को 1 2 3 4 5 सर्कल हैं और 3 बार्स हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, 5 सर्कल को 10 से मिटले, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो ऐसे करके करना था, फ्राइडे इज इक्वल टू, फ्राइडे में 5 सर्कल्स मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हर सर्कल की वैल्यू 10 पापड़ के बराबर है, फिर प्लस करेंगे बार बार, तो सिंगल एक बार एक पापड़ के बराबर है, तो प्लस 3 तीन पापड़ बनाएंगे एक्स्ट्रा, तो 50 प्लस 3 इक्वल टू
53 पर ये बनाया गया। उसके बाद सैटरडे को चलते हैं, सैटरडे को 1 2 3, 3 + 3 बार है तो 3 सर्कल है, तो 10 सेंटीमीटर है, प्लस 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 बार मतलब 3 पापड़ के बराबर है और एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, तो ये करते हैं सैटरडे। थ्री मल्टीप्लाई बाय 10 + 3 तो 30 + 3 = 33 पापड़ बनाए गए। उसके बाद आगे चलते हैं और लास्ट संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 एक्स्ट्रा, 80 पापड़ बनाए गए, यानी कि 80 + 3। ठीक है ना, तो इसको करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, तो सैटरडे को नहीं, संडे को, ऐसे भी संडे छुट्टी होती है, तो 8 सर्कल्स मतलब 8 मतलब 10, 80 प्लस 3 एक्स्ट्रा लाइंस हैं एंड 3 पापड़, तो 83 पापड़ बनाए गए। 80 + 3 = 83 पापड़ बनाए गए। ठीक है, 83 पापड़ बनाए गए। उसके बाद अब हम सारे निकाल लिए हैं, तो सबसे ज़्यादा पापड़ क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा गया था, सबसे ज़्यादा पापड़ किस दिन बनाया गया था उसका आंसर देंगे। हैव टू गिव द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम पापड़ मेड, मैक्सिमम पापड़ कितना है, ये संडे को बनाया गया 83 पापड़, तो हम पर आंसर है लिख देंगे यहाँ पे 83 पापड़, मैक्सिमम पापड़ इज 83 पापड़ मेड ऑन संडे। मेड मतलब बनाया गया ऑन संडे, ये लिख के छोड़ देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो 83 पापड़ मैक्सिमम था, सबसे संडे को बनाया गया था क्योंकि संडे को ऐसे छुट्टी भी होती है ऐसे। सेकेंड क्वेश्चन में चलेंगे, मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, ऑन हुईज डे आउट ऑफ मंडे एंड फ्राइडे मोर पापड़ मेड एंड हाउ मच, कंपेयर पे मंडे और फ्राइडे में किस दिन ज़्यादा पापड़ बनाया गया, तो देख लेते हैं। मंडे है 52 पापड़ और फ्राइडे, मंडे 52 और फ्राइडे को है 53, तो फ्राइडे को ज़्यादा बनाया गया। ठीक है, दोनों में एक का डिफरेंस है, अब डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। सेकेंड हम लिख देंगे ऑन फ्राइडे मोर पापड़ आर मेड, वेयर वाज मेड, ऐसा बोल दो, बाय तो 53 में से 52 को माइनस कर देंगे तो कितना, इक्वल टू 1 पापर, एक पापर ज़्यादा था, सिर्फ एक, तो बाय 1 पापर। ठीक है ना, आंसर आ गया, ये लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, तो आज के लिए इतना ही करो।